सारस, गुड मॉर्निंग भाई। बहुत हुई धुमा चौकड़ी, बहुत हुआ घूमना घुमाना। अब कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए आप सभी लोग, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी अब खत्म होने वाली है। हाँ जी, एक लंबे समय की छुट्टियों के बाद बच्चे फिर से स्कूल जाएंगे। अब फिर से सभी मम्मियों की ड्यूटी शुरू हो जाएगी और बच्चों के स्कूल जाने के बाद फाइनली थोड़ी सी राहत मिलेगी। गर्मी की छुट्टियों में भी ना बच्चे भी बड़े बोर हो गए हैं। अक्सर शाम होते ही जिद करते हैं घुमाओ घुमाओ, तो उनको कहीं पार्क में घुमाओ या फिर मॉल में घुमाओ या फिर आइसक्रीम पार्लर। ट्यून किया है आपने आपकी वाणी आकाशवाणी। दोस्तों आज है 20 जून साल 2023, दिन है मंगलवार का और स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बजे हैं। तो एक बार फिर से सुबह की चाय की चुस्की के साथ आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त ललिता, आप सभी का फेवरेट नंबर वन मॉर्निंग शो लेकर, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। इन दिनों हर जुबान पे सिर्फ एक ही बात है, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है। मानो ऐसा लगता है जैसे सुबह होती ही नहीं है, सीधे दोपहर हो जा रही है। वैसे अगर हम देखें तो हर एक चीज से ना हमें कुछ सीखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोरोना काल। कोरोना काल के समय जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इतने लंबे समय तक दुनिया रुक जाएगी। उसी तरह अगर हम पिछले कुछ सालों पहले जाकर देखें तो पता चलता है कि पहले के समय में इतनी ज्यादा गर्मी नहीं हुआ करती थी, और ज्यादातर लोग गांव से ही अब भी जुड़े हैं, तो लोग गर्मी की छुट्टियों में गांव जाया करते थे, सभी परिवार के साथ बाग बगीचे में बैठकर हंसी ठिठोली किया करते थे। पर अब वो सब समय धीरे धीरे खत्म सा होता जा रहा है। बदलते परिवेश में सब कुछ बदल सा गया है। अभी बहुत सारे लोग गेम्स खेलते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल फोन में। उफ, ऊपर से ये गर्मी बर्दाश्त के बाहर कि हर इंसान के दिल से बार बार बस यही निकलता है, बरसो रे मेघा आप तो बरस जाओ। दोस्तों आपको बताएं कि वाराणसी समेत आसपास के जिलों में भीषण गर्मी की मार से हर कोई परेशान है। तीखी धूप और लू ने आम जनजीवन को बेहाल कर दिया है। आसपास से आग उगलती धूप का प्रकोप इतना विकराल हो गया है कि दोपहर में शहर के चौराहों से घाटों तक सन्नाटा पसरा हुआ है, और ऐसे मौसम में ही लू की वजह से ज्यादातर सबकी तबीयत खराब होती है। आपको बताते हैं कि जब लू लगता है तो लक्षण उसके क्या होते हैं, जैसे कमजोरी, चिड़चिड़ापन, सिरदर्द, शरीर से अधिक पसीना आना, मिचली, उल्टी, सांस तेज होना, दिल की धड़कन बढ़ना और नींद पूरी ना होना। तो ऐसे में हम अपना ख्याल रख सकते हैं वो ऐसे कि तो शरीर में पानी की कमी ना होने दे। जब भी बाहर निकले तो सिर को जरूर ढके एक अलग से कपड़े से लेकर। धूप से आने के तुरंत बाद ठंडा पानी ना पिए बिल्कुल भी। नींबू, छाछ और आम के पना पीते रहे, साथ ही साथ मौसमी फल और हरी सब्जियों का भी सेवन करते रहे। गर्मी और लू को देखते हुए अस्पतालों के इमरजेंसी में अलग वार्ड बनाए गए हैं। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है। मंडलीय अस्पताल कबीर चौरा, दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल और शास्त्री अस्पताल रामनगर में 10-10 बेड के हीट स्ट्रोक वार्ड बनाए गए हैं। डॉक्टरों की सलाह पर लोगों को भर्ती किया जाएगा। इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर और विशेषज्ञ डॉक्टर लोगों की निगरानी करेंगे। ऑन कॉल विशेषज्ञ बुलाए जाएंगे। इस बारे में सीएमओ ने कहा कि
पहले से बीमार लोगों, बच्चों, बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और उन्होंने ये भी कहा कि लापरवाही भारी पड़ सकती है। इस मौके पर जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने कहा कि मौसम प्रतिकूल है, तापमान ज्यादा है, प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, दिन में बाहर निकलने से बचें और ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थों का सेवन करें। ग्राम पंचायत स्तर पर खराब पड़े हैंडपंप और जल स्रोतों को रिबोर कराने का काम किया जा रहा है। पशुओं और अन्य लोगों के लिए जलाशयों में पानी की व्यवस्था भी कराई जा रही है। अस्पतालों में विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। सुन रहे हैं आप आपकी वाणी आकाशवाणी। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आज है 20 जून। तो प्रत्येक वर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। यहां आपको ये बता दें कि ये दिवस दुनिया भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए समर्पित है। 4 दिसंबर साल 2000 से ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्णय के बाद विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद पर सुन रहे हैं आप आपकी वाणी आकाशवाणी। और दोस्तों, अब बातें हमारे शहर बनारस की। इस कड़ी में आपको सबसे पहले बताते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर शहर बनारस में हर तरफ योग कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही हैं। योग की जरूरत आजकल इतनी बढ़ गई है कि डॉक्टर्स भी तरह तरह के रोगों के लिए अलग अलग योगासन के रिकमेंडेशन दे रहे हैं। वाराणसी आए इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट लंग डिजीज के चेयरमैन, नई दिल्ली के हृदय और फेफड़े प्रत्यारोपण सर्जन डॉक्टर राहुल चंदोला ने स्टडी करके बताया कि वीरभद्रासन, धनुरासन और प्राणायाम ऐसे योगासन है जो कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के चांस को कम करेंगे। ये एक तरह से कवच का काम करेंगे। डॉक्टर चंदोला ने बताया कि 40 साल से कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक की बढ़ती प्रवृत्ति ने लोगों को चिंता में डाल दिया। जो लोग जिम में हैं या फिर फिटनेस के प्रति सचेत हैं, उन्हें ये सबसे ज्यादा हो रहा है। और हमने देखा भी कि पिछले 2 सालों में अगर देखा जाए तो लगभग 40 से 50 आयु वर्ग के लोगों को ही सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आए हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि गलत तरीके से एक्सरसाइज और बॉडी बनाने के लिए सप्लीमेंट का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो पाता। दूसरी बात यह भी है कि अचानक से तंग लाइफस्टाइल से उठकर सीधे जिम जाना भी एक खतरनाक फैसला है। कुछ दिनों तक योग और जॉगिंग करें, सबसे पहले यही कर सकते हैं। और हार्ट को ज्यादा प्रेशर न दें। कोलेस्ट्रॉल, फैट और शुगर बढ़ाने वाले फूड्स को अपने से दूर रखें। थोड़ा टाइम दें, फिर जिम ट्राई कर सकते हैं। और एक खास चीज ये कि कोलेस्ट्रॉल लेवल 20 मिलीग्राम पर डीएल से कम ना हो तो आपका हार्ट स्वस्थ रहेगा। तो ऐसा आप जरूर करें। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। बीएचयू क्रीड़ा परिषद तत्वाधान में फर्स्ट एड, सीपीआर और पूल लाइफ गार्ड सर्टिफिकेशन कार्यशाला का शुभारंभ 20 जून यानी आज से हो रहा है। ये कार्यशाला अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय लाइफ सेविंग समिति और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा संयुक्त समन्वय में आयोजित होगी। इस मौके पर आयोजन सचिव डॉक्टर कविता वर्मा ने बताया कि इस कार्यशाला में देश के विभिन्न प्रदेशों से 25 से ज्यादा प्रतिभागी प्रतिभाग करने के लिए अपनी अपनी सहमति दे चुके हैं। इस कार्यशाला का उद्देश्य मानव जीवन की रक्षा हेतु उचित प्रशिक्षण और जीवन रक्षक तकनीक से अवगत कराना है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। धर्म, कला और संस्कृति की नगरी काशी में रथयात्रा मेले की शुरुआत होने जा रही है।
इस मेले में हर रोज 1,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, इसीलिए इसे लक्खी का मेला भी कहा जाता है। सन 1802 में शुरू हुए रथ यात्रा मेले का ये 221वां वर्ष है। जगन्नाथपुरी को छोड़कर आए मुख्य पुजारी तेजोनिधि ब्रह्मचारी ने साल 1790 में काशी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसके 12 साल बाद रथ यात्रा मेले की शुरुआत कराई गई थी। आगे चलकर यहीं पर उन्होंने समाधि भी ले ली थी। रविवार 18 जून से 80 स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर के पट खुल गए हैं। ट्रस्ट जगन्नाथ जी के सचिव आलोक शाहपुरी ने बताया कि 15 दिन की बीमारी और बेड रेस्ट के बाद भगवान फिर से भक्तों को दर्शन देने आएंगे। भगवान जगन्नाथ के साथ ही उनके बड़े भाई बलदाऊ और बहन सुभद्रा का भव्य श्रृंगार किया गया। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा यानी 19 जून को मंगला आरती और श्रृंगार के दोपहर बाद 3:30 पर 80 स्थित मंदिर से डोली यात्रा का आह्वान होगा। शाम 5 बजे रथ पूजन के बाद भगवान की डोली और भक्तों की टोली रथ यात्रा इलाके में पहुंचेगी। यहां पर आधी रात 3 बजे भगवान रथ पर सवार होंगे और इसके बाद 20 जून से 22 जून तक रथ यात्रा मेला चलेगा और फिर 23 जून की आधी रात की जगन्नाथ आरती के बाद भगवान को सपरिवार बड़े भाऊ बलदाऊ और बहन सुभद्रा के साथ 80 स्थित जगन्नाथ मंदिर में पहुंचा दिया जाएगा। और दोस्तों, अब आज के प्रोग्राम की आखिरी खबर। जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, यानी कि कल। वाराणसी में योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में होगा। 1,000 से अधिक लोग उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा काशी के 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, नमो घाट समेत प्रमुख घाटों पर योग दिवस मनाया जाएगा। सारनाथ बेनियाबाग पार्क में भी कुछ लोग योग करते नजर आएंगे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से माइक्रो प्लान सौंपने का निर्देश भी दिया है। तो दोस्तों, ये था हमारे शहर बनारस का हालचाल। और अब देखते ही देखते मेरा भी समय हो गया है प्रोग्राम से चलने का। तो चलते चलते आपको मैं बता दूं कि इतनी गर्मी पड़ने की एक खास वजह भी है, वो है ग्लोबल वार्मिंग का असर हमारी जीवन शैली पर। आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकना हमारी ही जिम्मेदारी है। पर्यावरण है तो हमारी जिंदगी है, और इंसान अगर ठान लेना तो वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए कहते हैं ना कि मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जहां से भी गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा। तो अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और पर्यावरण बचाएं, क्योंकि वृक्ष है तो हम हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, और अभी के लिए बाय बाय। समाचारों का ये सिलसिला जारी रहेगा प्रोग्राम के बाद भी, और वापस मिलूंगी आपसे सुबह मधुरिमा पे 8:45 पर। तब तक के लिए बाय बाय।